गांधी कॉलोनी स्थित वैष्णो मंदिर में चौदस के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मांगी मन्नत और मंदिर के बाहर चौदस के मेले में बच्चों ने जमकर की खरीदारी। प्रसाद चढ़ाने को लेकर कोविड 19 को देखते हुए इस बार भीड़ कम रही, फिर भी श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर कमेटी सदस्यों द्वारा सैनिटाइज मास्क और थर्मल स्कैनिंग कराकर ही प्रसाद चढ़ाने की अनुमति दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। पंडित रमन जी जा बोल रहा हूँ। हाँ जी 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 14 हैं और हमारे मेन गेट पे जो है सो सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है और वहाँ पर जो है सो टेम्परेचर मशीन से तापमान से की जा रही है और सारे डिस्टेंस के साथ गोले बने हुए हैं, उसके हिसाब से जो है सो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। भीड़ तो है, धीरे धीरे भीड़ हो रही है, भीड़ भी होता है और प्रसाद चढ़ा के जा भी रहे हैं, कोई खास भीड़ भी नहीं है। तो एवं प्रकार से जो भी भक्त आ रहे हैं उसको सुरक्षा पूर्वक जो है सो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? मेरा फूलमणि नाम है। 14 का मेला, देवी माँ का आज शाकुंभरी का जन्मदिन है आज, उसका तो इसलिए 14 में प्रसाद चला जाता है। आज तो फिर भी छीड़ है, हैं बहुत भीड़ है लेकिन पहले से कम है, यानी पहले तो भाग लाइन लग जाती, लंबी लाइन लग जाती थी, अब तो फिर भी कुछ कम है। इसको मान्यता बहुत है, देवी माँ की सब मनोकामना पूर्ण करती है।